हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ये होता क्या है बेसिकली क्यूब एंड क्यूब रूट्स। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, ठीक है बच्चे। चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। चलिए भाई तो क्या होता है क्यूब एंड क्यूब रूट, किसी को पता है? चलिए पहले क्यूब के बारे में बताएंगे, क्यूब होता है क्या है बेसिकली। चलिए भाई क्यूब, मैंने कहा पहले बताऊंगा आपको क्यूब, क्यूब क्या होता है। क्यूब्स क्या होते हैं? बहुत सारे क्यूब्स होते हैं, जैसे मैंने कहा वन का क्यूब, तो वन का क्यूब होता है वन मल्टीप्लाई वन इंटू वन, मतलब वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया वन। टू का क्यूब टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन, फोर का क्यू 64, फाइव का क्यू 125, एंड सिक्स का क्यू 216, सेवन का क्यू 343, और एट का क्यू 512, एंड नाइन का क्यू 729, और थाउजेंड टेन का क्यू होता है हमारा 1000। तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, कोई भी क्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये तो हो गया हमारा क्यू, ठीक है भाई, क्लियर है। अब क्यूब रूट क्या होता है, ध्यान दीजिए भाई क्यूब रूट क्या होता है। जैसे मैंने कहा, अभी मैं आपको बता रहा था कि देखो बेटा ये क्यूब होता है और क्यूब रूट क्या होगा। देखो मैं इधर एक लाइन बना लेता हूँ, ऐसे इधर लिख देते हैं क्यूब रूट्स। जैसे मैंने कहा वन का क्यूब जो होता है वो वन होता है, और वन का क्यूब रूट मतलब थ्री लगा देते हैं, और यहां लिख देंगे थ्री का वन का क्यूब रूट होगा कितना, वन, ठीक है। आगे मैंने कहा टू का क्यू एट होता है, और एट का क्यू रूट टू। ऐसे आगे थ्री का क्यू 27, और 27 का क्यू 3। ऐसे चलते जाएंगे आगे, तो ये क्यू रूट समझ में आ गया, राइट। ओके बच्चों, अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ समझाता हूँ आप लोगों को, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से क्यू रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे, जो कि आपके आगे अगर एमसीक्यू आए या आपको जल्दी हमें सॉल्व करना हो, जल्दी निकालना हो, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है भाई। चलिए समझिए बच्चों कैसे करेंगे, देखिए ध्यान। जैसे मैंने कहा, मैंने बताया था क्यू आपको, इसके लिए आपको 10 तक के क्यू आना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। चलो भाई देखो, जैसे मैंने कहा वन का क्यू वन होगा, टू का क्यू एट होगा, और थ्री का क्यू कितना होगा, फोर का क्यू, फाइव का क्यू
सिक्स का क्यू, 216, सेवन का क्यू, 343, नेक्स्ट मैंने कहा सेवन का एट का क्यू, 9 का क्यू, 729 और 10 का क्यू, ये होते क्यू। ठीक है भाई, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एक बार याद रखना, वन के साथ हमेशा वन आता है, वन के साथ वन आता है, टू के साथ एट आता है, और एट के साथ लास्ट में कितना आता है, टू आ रहा है, राइट। थ्री के साथ सेवन आ रहा है लास्ट में, और देखो सेवन के साथ थ्री आएगा, फोर के साथ फोर आ रहा है, फाइव के साथ फाइव आ रहा है, और सिक्स के साथ सिक्स आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये आना बहुत जरूरी है, राइट, क्लियर ऑल ऑफ यू। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मैंने किया गया कुछ एग्जांपल लिए, जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, राइट, आपको समझाने के लिए, राइट। जैसे मैंने कहा मुझे 64 का क्यू रूट निकालना है, क्या निकालना है, 64 का मुझे क्यू रूट निकालना है, राइट। तो मैंने बताया था कि 64, अब क्या करेंगे, ये 4 के साथ क्या आता है, 4 के साथ 4 आता है, 4 के साथ क्या आता है, 4 के साथ 4 आता है, क्लियर है, 4 के साथ क्या आता है, 4। इसके बाद वाली दो वैल्यूओं को हमेशा डिलीट मारते हैं, इसके बाद वाली दो वैल्यू होती हैं उनको हमेशा क्या मारते हैं, डिलीट। तो आंसर हो गया ओनली 4, 64 का क्यू रूट कितना होगा, 4। अब जैसे कि बड़ा लेते हैं, जैसे कि ये 8th वाला है, ठीक है क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा 46656, इसका क्यू रूट निकालेंगे, राइट। तो मैंने कहा था 6 के साथ क्या आता है, 6 आता है, आता है नहीं, 6 के साथ लास्ट में क्या आता है, 6 के साथ लास्ट में क्या आता है, 6 आता है। दो वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिलीट मारेंगे, और 46 बताइए किसके क्यू के बीच में लाई करता है। देखिए 4 का क्यू होता है 64, और 3 का क्यू कितना होता है, 27, राइट, और 4 का क्यू कितना होता है, 64। तो इनके बीच में आ रहा है ये, तो इनके बीच में आ रहा है, मतलब 3 और 4 के बीच में आ रहा है, छोटा कौन सा है, 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक आपको समझाने के लिए, राइट। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, भरोसा है सभी को, की रूट कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक में। चलिए आगे आइए, कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन दे रखा है 110592 का मुझे क्या निकालना है, की रूट निकालना है, क्या निकालना है, की रूट। तो मैंने कहा था 2 के साथ क्या आता है, 8 आता है, इसके बाद वाली जो वैल्यू दोनों को डिलीट मार दो, मतलब नहीं इनको डिलीट ही कर दो, 110 किसके क्यू रूट के बीच में आता, किसके क्यू के बीच में आता है, 4 और 5 के में आता है, ठीक है। तो 4 और 5 में छोटा कौन सा है, 4। तुम्हारा 48 का हो जाएगा, ठीक है, क्यू रूट। ठीक है भाई, क्लियर है, बात समझ आ रही है। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि सपोज दैट ये थर्ड वाला दे रखा है, थर्ड वाला क्वेश्चन है 106 48, दोनों को डिलीट मारा, 8 के साथ 2 आता है, और ये जो 10 है 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 का क्यू होता है 8 और 3 का क्यू होता है 27। तो 10 किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना हुआ, 22। तो 22 का क्यू रूट होगा ये। ठीक है भाई, क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा होगा सभी को। और भी कई सारे एग्जांपल है, जैसे सपोज दैट क्वेश्चन नंबर ले लिया मैंने ये 6 वाला, 6 क्वेश्चन जो है वो 13824 है, कितना है, 824।
तो क्या करेंगे बाबू, देखो ध्यान सुनिए, 13824 जिसमें इन दोनों को डिलीट मारा, 4 4 के साथ आता है, और ये जो 13 है किसके किसके क्यू के बीच मारा है, एक तो आ रहा है 2 और 3 के बीच मारा, राइट, क्लियर ऑफ यू, फन मारा है सभी को, तो क्या आ जाएगा हमारा 2, तो 24 आंसर हो जाएगा, पक्का श्योर? चलिए तो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, लास्ट वन इस, जल्दी बताइए आंसर, बताइए जल्दी आंसर, बोलिए बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये 5 का 5 आ गया, इधर बताइए आगे, जल्दी बताइए बेटा, बेटा इन दोनों को डिलीट मारा, 91 किस किस के बीच मारा है, 4 और 5 के बीच मारा है, तो 4 और 5 में छोटा कौन सा है, कितना हुआ 45, तो 45 का क्यू रूट हो गया, राइट, प्लीज सीडियर बढ़िए, आप खड़े हो बेटा, बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए फास्ट क्विक, जल्दी बताइए, 6 का 6 आया, जल्दी बताइए बेटा, बेटा ये किसके बीच मारा, दोनों को डिलीट मारा, इन दोनों इसमें किसके बीच में, किसके क्यू के बीच मारा, ये बताइए 5 का क्यू कितना होता है, 125, और 6 का क्यू 216, तो 216 और 125 के बीच में 175 आ रहा है ना, कितना जाएगा, तो क्या ले लेंगे, छोटा ले लेंगे, छोटा वाला 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो 5 ले लेंगे, हो जाएगा 56 का हो जाएगा क्यू रूट, ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको बताई है शॉर्ट ट्रिक, क्या बताइए शॉर्ट ट्रिक आपको समझाने के लिए, ठीक है भाई, तो ये सोच लो कि जब भी आपको अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे या एमसीक्यू क्वेश्चन आए और आपको जल्दी करना हो तो आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है, क्या लगानी है शॉर्ट ट्रिक, क्यों, क्योंकि आप है ना इजीली वे में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी मेथड है, ठीक है भाई, क्लियर ऑफ यू, चलिए थोड़ा और डीपली बात करते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा सा और डीपली चलते हैं बेटा, ठीक है, चलिए तो आपका जो एक्सरसाइज है पहली जो 6.1 है इसके बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है बेटा, चलिए तो पहली एक्सरसाइज आई है आपकी, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट वाला देखिए ध्यान से, ये कहना चाह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यू, परफेक्ट क्यू वो नहीं होगा, प्रोसीडियर बढ़िए, जिसमें लास्ट में, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, आप ये देखिए 216 है, कितना है, क्या ये 6 का क्यू रूट है, क्या ये 6 का क्यू है, 216 जो है क्या वो 6 का क्यू है, तो परफेक्ट है, यस नो, अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो एक काम करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करके दिखाते हैं आपको 216 के, ठीक है भाई, 216 के प्राइम फैक्टर करिए, तो प्राइम फैक्टर करना सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बेटा देख लेना अच्छे से आप लोग, ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया, लास्ट में 6 है तो 2 की टेबल से जाएगा, किससे जाएगा 2 की टेबल से, तो 2 से जाएगा तो 2 बन जा 2 आ गया, ठीक है, 2 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा भाई, 2 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 2 8 जा 16, ठीक है भाई, क्लियर है ना, 2 8 जा 16, अब क्या करेंगे, ये 2 है, 2 का डिवाइड करेंगे 5 में, कितना आएगा, 5 जा 25 जा 10, 24 जा 8, अब क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे इसमें, कितना आया 27, कितना आया भाई 27, अब क्या करेंगे 3 का डिवाइड करेंगे,
9 में ऑफ 3 का डिवाइड करेंगे, क्लियर बेटा, समझ में आ रही बात? तो देखो ये जो 216 है, अगर मैं इसका क्यू रूट निकालता हूं तो बच्चों जो देखिए आप लोग क्यू रूट निकालेंगे तो इन सब का मतलब तीन तीन वैल्यू का पेयर बनना चाहिए। क्या पेयर बन रहा है? एक बार देखिए आप लोग, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। देखो 3 का पेयर बन रहा है, इसमें से मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, 3 × 2 = 6 हो गया आंसर। तो ये परफेक्ट है, यस, ठीक है, यस, इट इज अ परफेक्ट क्यू, ठीक है भाई, इट इज अ परफेक्ट क्यू। उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इट इज अ परफेक्ट नोट कर लीजिए इसको भाई, नोट कर लिया आप सभी ने, क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आज मैंने आपको ओनली इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है कि कैसे करते हैं, ठीक है, क्लियर भाई। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 के बारे में, ठीक है भाई। तो उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोगों को शायद जो मैंने पढ़ाया होगा, इंट्रोडक्शन दिया है आपको क्यू एंड क्यू रूट के बारे में, वो आपको आपको क्लियर समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, थैंक यू।